रोएगा। चलो चलो बेर करो, अबे ना चलो दादा। हाँ बेर करो, अरे चल चलो। हाँ भालो भालो चलो चलो। किरे आज पगार मिले हमसे बिना मिले भाग रहा है, चल रोकना निकल चल। नहीं दादा, ए मोहन अभी बहुत विपद में है, हमारे लड़की को लोको मार गया, हमको पैसा का बहुत जरूरत है, हमको उसका इलाज कराने का। अरे इलाज करा के की कर लेगा तू, वैसे भी लूले लंगड़ों को मोर जाना ही अच्छा है। चल हट बेटा, ए लोगों मत पैसा छीन लिया, हमको पैसा का बहुत जरूरत है, हमारा बेटी को लोको मार गया, हमारी मदद कर बेटा। দাদা লেখে দাদা লোকটা অনেকক্ষণ থেকে নিচে বসে আছে কে আমি জানি না কে जाना नहीं, कई साल हो गए ना, तो शायद इसलिए। कहां कहां नहीं खोजा मैंने तुम्हें, कहां कहां नहीं गया मैं, जान तुम्हारे होने की खबर होती मैं उधर भागकर चला जाता था। मैंने तो ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि शायद हम दोनों फिर कभी मिलेंगे। ऐसा भी कोई किसी से रूठता है क्या? सूरज, मैं तुम्हें वापस लेने आया। मैं यहां इतनी दूर सुकून की तलाश में आया हूं,
मुझे परेशान मत करो, जाओ यहां से। तो क्या सुकून मिल गया तुम्हें? वाह, जिसे सुकून चाहिए होता है वो क्या कलकत्ता आ जाता है? सूरज, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसके लिए तुम्हें यहां पर छुप के रहना पड़ रहा है। ऐसा क्या हो गया सूरज, जिंदगी में किसे दुख नहीं मिलता? मैं वो सब बातें याद नहीं करना चाहता। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को बिखरने से बचाया है। कोवे, सॉरी सूरज, अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है तो तुमसे उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। लेकिन दोस्त, ये जो तुम सुकून की बात कर रहे हो, शांति की बात कर रहे हो, आई एम सॉरी टू से आई डोंट अग्री टू इट। तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो। पता नहीं, नहीं मालूम। ये मेरी अपनी लाइफ है और इसे मैं जिस तरह चाहूंगा जीऊंगा, समझे? तो मेरी भी कोई लाइफ है कि नहीं? मैं पागल हूं जो पिछले 5 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूं, तुम्हें खोज रहा हूं। तुम जिन्हें छोड़कर आए थे वो क्या लगते हैं मेरे? क्यों उनके लिए मैं मारा मारा भटक रहा हूं? मैं बेवकूफ हूं? सूरज, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। मैं जो कुछ भी सोचूंगा, जो कुछ भी करूंगा, तुम्हारी भलाई के लिए करूंगा। कोई तो वजह होगी ना जो मैं कह रहा हूं यहां से चलने की। सूरज, मैं तुम्हारे जख्म को कुरेदने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देने आया हूं। सूरज, मैं तुम्हारी तकलीफ दूर करने आया हूं। सूरज, मेरी बात पर यकीन करो। सूरज, पहली बार मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूं। अरे यार, दोस्त की बात नहीं सुनोगे, उसकी बात नहीं मानोगे? सिर्फ एक बार? जिंदगी रहेगी मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता दिलदार। मुझे यहां क्यों लाए हो? देखो, इस वक्त रात बहुत हो गई है, तुम आराम से सो जाओ, सुबह बात करेंगे। तारीख पे तारीख। ये फिल्म प्रोड्यूसर क्या देते हैं? सिर्फ तारीख। 10 बार इनके दफ्तर के चक्कर लगाओ तो मिलती है सिर्फ तारीख। 50 बार इन्हें फोन करो तो मिलती है सिर्फ तारीख। हर घटिया से घटिया एक्टर को रोल मिलता है और अरमान खान को क्या मिलता है?
सिर्फ तारीख। क्या बात है अरमान जी? लो क्या बात है अरमान जी। मैडम ये फिल्म वाले या तो वादे देते हैं या फिर देते हैं तारीख। मैंने राज जी को पटाने के लिए क्या क्या नहीं किया और उसके बदले में उन्होंने मुझे क्या दिया? सिर्फ तारीख। डोंट वरी अरमान, रोल मिल जाएगा। पहले कुछ गर्मा गर्म खिलाइए ना, बड़ी भूख लगी है। हाँ अरमान। एक बात बताओ, आप लोगों के घर में खाना वाना नहीं पकता क्या? बड़ी भूख लगी है। पकता है ना, लेकिन आपके हाथों का खाने में जो स्वाद है ना, वो लाजवाब है। सच्ची? मुच्ची। आप लोग ऐसा करो, आप बैठो, मैं आज आपको अफगानी ऑमलेट बना के खिलाता हूँ। ला ला ला। मानना पड़ेगा, पूजा ने भी क्या वंडरफुल सर्वेंट रखा है। वैसे हमारी पूजा भी कम वंडरफुल थोड़े ही है। ए, एक वंडरफुल न्यूज़ है। वंडरफुल न्यूज़? वंडरफुल नहीं, वंडरफुल न्यूज़। आज हमारे कॉलेज में एक नया लेक्चरर आया है। तो इसमें कौन सी नई बात है? वो तो आते ही रहते हैं। ये उन आते जातों में से नहीं है, बहुत हैंडसम है। मेरे से भी ज्यादा? तुम्हारे जितना कहाँ। अरे वो यंग है, डैशिंग है, डेयरिंग है। मुझसे भी बढ़कर। तुम्हारे जैसा कहाँ। मेरे जैसा हो भी नहीं सकता। लेकिन एक बात है, हाँ। जो तुम में नहीं वो उसमें है। क्या? दिमाग। हाँ। तब तो ये वंडरफुल न्यूज पूजा को देनी ही पड़ेगी। अरे पर पूजा है कहाँ? है कहाँ? अरे कहाँ हो सकती है, दो ही जगह हो सकती है, या क्लासरूम में या बाथरूम में। पूजा। अपने कॉलेज के रेगिस्तान में बारिश की बूंद बनकर एक नया लेक्चरर आया। मैंने सुना, इसलिए तो आज कायदे से तैयार होना पड़ा। बारिश की उस बूंद को भी तो दिखे कि उसके आने से एक नया फूल खिला है। क्यों अरमान? यानी उनके वेलकम का सारा प्लान आपने पहले से बना डाला? यस। आज उसका धमाकेदार स्वागत होगा। क्लास शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूं। आई एम सूरज चौहान। आप लोगों को पता होगा कि मैं सिर्फ 6 महीने के लिए यहाँ डिप्यूटेड हूँ, और अगर आप लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया तो ये 6 महीने आपके बहुत काम आएंगे। और एक बात, आई नीड योर फुल कॉन्सेंट्रेशन एंड सिंसियरिटी इन माई क्लास रूम। Let's begin. चलो चलो, come on. Excuse us, sir. Yes. Shall we? आप लोग इसी क्लास में से हैं? कल तक तो हम लोग इसी क्लास में थे। Why you late? पाउडर खत्म हो गया था। What? मेकअप, मेकअप सर। एक्चुअली वो क्या है ना, मैं पाउडर लगाने गई तो पता चला पाउडर खत्म हो गया। पाउडर आने तक पता चला कि परफ्यूम भी खत्म हो गया। परफ्यूम आने तक पता चला कि क्रीम ही नहीं है। कई बार मार्के जाना पड़ा ना सर, और जाना पड़ा तो वापस भी आना पड़ा। एक्चुअली वो क्या है ना सर, ये आपका पहला दिन है ना इस कॉलेज में, और हमारी आपसे पहली मुलाकात है ना सर। आई हैव टू लुक ब्यूटीफुल नो सर। घटिया जोक पे हंसने वाले बेवकूफ होते हैं, और मैं यहाँ मिस इंडिया कॉन्टेस्ट का जज बन के नहीं आया हूँ। टेक योर सीट। थैंक यू सर। हाय। थैंक यू। लेट्स कंटिन्यू। कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्ट ऑफ। वन सेकंड सर। यस। सर आपने कहा था कि घटिया जोक पर हंसने वाले बेवकूफ होते हैं, सो कैन यू टेल अस अ स्टैंडर्ड जोक सर? मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, जोक्स नहीं। An important group of naturally occurring substances containing only carbon, hydrogen and oxygen as elements and Terrorism? Yes, sir. Shut up! ये सब क्या हो रहा है? What is happening? I think you know better than me about these girls. नहीं सर, को हमने guard of honor दिया है। हमने कुछ गलत किया है सर। 100% गलत। ये हमारे मेहमान हैं। सिर्फ 6 महीने के लिए इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए आए हैं। ऐसा सलूक करते हैं आप लोग अपने मेहमान के साथ? मैं रिपोर्ट करूंगा, सबकी रिपोर्ट करूंगा।
हम लोग भी यहीं पे रहते हैं सर, आपके पड़ोसी। इसमें कुछ पालेंगे क्या सर? मुझे मधुमक्खियां पालने का शौक है। Any problems? No problem, sir. हम लोग आपकी कुछ मदद करें? No thanks. जरूरत पड़ी तो I'll call you. बुला लीजिएगा सर। क्लास में फटाके फोड़े, लेकिन हम इतनी बुरी लड़कियां नहीं है सर। फटाके वाले सर? नमस्ते सर। अरमान खान, ये बेचारी लड़कियां मेरे साथ ही रहती हैं। वो क्या है ना कि मोहल्ले में दबदबा बहुत है उनका। आपको भी कोई प्रॉब्लम हो ना, शर्माने का नहीं, बोलने का बिंदास। शट अप। दीदी मैं बाजार जा के आता हूं। अरे अरमान सुन तो, वो बाजार से मेरा स्पेशल पान तो लेके आना। पान? अरे जो हमेशा लाता है, कलकत्ता कीमाम कच्चा पक्का 120 प्यो। हां याद से। मुझे लोगों की रुचि पसंद। वैसे आप क्या पसंद करते हैं सर? बदतमीज लोगों को तमीज सिखाना पसंद करता हूं। Now mind your own business. Thank you, sir. भड़क गया, डरपोक। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चैन का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चैन सा टुकड़ा रहता है। ए नीता, क्या क्या? लगता है अंदर ही है। ओके। लेटर बॉक्स लगाया है। इसका मतलब लेटर का भी इंतजार होगा। लेकिन ऐसे आदमी को लेटर कौन भेजेगा जिसकी नाक में हमेशा गुस्सा रहता है। आइया चल चल कागज कलम निकाल, जल्दी 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 चल झोक। पहला लेटर हमारी तरफ से होगा, लेकिन लिखूं क्या? हाँ सूरज सर। या सॉरी सर, हमें माफ कर दीजिए। एक्चुअली वो क्या है ना कि आज सुबह जब हमारी आंख खुली तो हमने बहुत सोचा कि कल जो कुछ भी हुआ ना कुछ ज्यादा ही हुआ, इसलिए हम सब लड़कियां आपसे माफी मांगने आई हैं। हाँ सर, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ सुनकर अच्छा लगा। हंसना हंसाना अगर अपनी लिमिट क्रॉस कर दे तो सारी जिंदगी एक मजाक बन जाती है। तुम लोग पढ़ाई में अच्छे हो, यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। बैठो। तो मिस पुजारन, कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर पुणे में मेरे डैडी रहते हैं। तुम लोगों के नाम शायद मैं नहीं जानता। सर मैं ऐना। मैं नीता। और मैं संजना। सर आपको पता है आपके पहले आपकी जगह में जो लेक्चरर थे उनकी आंखें भेंगी थी। हाँ सर, जब वो संजना को देखते थे तो ऐसा लगता था कि वो मुझे देख रहे, और जब मुझे देखते थे तो ऐसा लगता था कि नीता को देख रहे। लेकिन अब आप आ गए ना सर, बहुत अच्छा हुआ। केमिस्ट्री पढ़ाने वाले को आप जैसा हैंडसम होना चाहिए सर। एक्चुअली हर सब्जेक्ट का लेक्चरर आप जैसा हो ना तो कोई लड़की फेल ही ना हो। एग्जैक्टली सर, जब कोई प्रोफेसर या लेक्चरर बना होता है तो आंखों के सामने एक 50 साल के गंजे आदमी की तस्वीर उभर आती है। तुम कुछ कहना चाहती हो बोलो। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, स्पीक लाउडली। ये वो क्या लगा रखा है बोलो। आपके पैंट की सब खुली है। ओह माय गॉड, चलो चलो जल्दी। However, the experimental value of the total strain in cyclobutane, this can be explained only by the non-planar conformation of cyclobutane. Get to page 81.
you will find the same equation which is there right here. Listen to me. जिसको नहीं पढ़ना है क्लासरूम छोड़ के जा सकता है, और अगर किसी को नहीं पढ़ना है देन एवरीबॉडी कैन लीव. देख तू कुछ भी कह, कुछ ज्यादा ही खिंचाई कर रही है. अब छोड़ भी देना बेचारे को. अरे उसके तेवर देखे क्या, इतना अकड़ता है, इतना सब होने के बावजूद भी अपनी हार नहीं मानता. वैसे हम भी उससे कम है क्या? एक्चुअली कुंवारा है ना, इसलिए चिड़चिड़ा है. हर तरफ एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां हैं. लेकिन बेचारा करे भी तो क्या, आखिर टीचर है ना. अच्छा तो ये बात है, तो उसे साफ साफ कह देना चाहिए. एक्चुअली ही इज क्वाइट डैशिंग. हाँ, कैन फॉल इन लव विद हिम. मी टू. रुक, जरा मेरा भी प्रिंट आउट डाल देना. You come with me. Only you. लगेंगी. क्या सर? मुझे उग रही है. सर, मेरे डैडी की भी ये मुझे थी जब मैं पैदा हुई थी, तो मैं भी डर गई थी सर. हंसना बहुत पसंद है आपको. सभी को हंसना पसंद है सर. मेरा मतलब है दूसरों पे हंसना. जी हाँ. वो ब्लड प्रेशर पे काफी रिसर्च किया आपने? जी, वो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के प्रोग्राम में देखा था. तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है ना? जी, मैं समझी नहीं सर. अमीर माँ बाप के बच्चे कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं. सर, आप कम्युनिस्ट हैं? शट अप! ये मत समझना कि ये हाथ सिर्फ किताबों के पन्ने पलटने के लिए या ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए है. एक झापड़ पड़ेगा तो पूरे चेहरे की ज्योग्राफी नेशनल हो जाएगी. आइंदा कोई मजाक करने से पहले ये याद रखना. गेट आउट. क्या हुआ पूजा? क्यों बुलाया था? क्यों बुलाया था? पता है सूरज सर यानी कि हमारे नए केमिस्ट्री प्रोफेसर ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? पूजा, प्लीज क्लास में मेरे चेहरे की तरफ इस तरह मत देखना. तुम्हारे झील जैसे आंखों में मेरा कंसंट्रेशन डूब जाता है. योर आईज आर सो ब्यूटीफुल. चल चल, फेंक रही है, वो ऐसा कह ही नहीं सकते. ऐसा क्या? अरे आगे तो सुनो, ये तो कुछ भी नहीं. ओह रियली? उसने कहा कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो कुछ कुछ होने लगता है. मैंने उसे घूर के देखा, सहम गया बेचारा. और पता है उसने क्या कहा? क्या? उसने कहा कि तुम्हारी कमर नागिन सी बल खाती है और तुम्हारी चाल ये तो हिरनी जैसी है और ये गाल ये तो फूल जैसे हैं और ये होंठ क्या कहते हैं उसे, पंखुड़ी जैसे. हाँ, पंखुड़ी जैसे. अरे इतनी तारीफ सुनने के बाद उसे डांटने के बजाय मैं तो खुद शर्मा गई. अच्छा, झूठी कहीं की, किसी फिल्म का डायलॉग सुना रही है? हमारे सूरज सर ऐसी फिल्मी बातें कर ही नहीं सकते. तुम लोग यकीन नहीं कर रहे हो क्या? नहीं. तो ठीक है, अगर एक दिन मैं तुम लोगों के सूरज सर को अपनी बाहों में लेकर दिखा दूं, बाहों में, तब तो तुम लोग मेरा यकीन करोगे ना. बाहों में? यस, बाहों में, क्योंकि अब शुरू हुआ है लव
वो के बाद मालिश करते हैं। 12 दिन से चल रहा है ये। सूरज तुम तो कल आने वाले थे। सुप्रिया इतनी परेशान हो गई थी। जरा सी आठ होती थी तो कहती थी जाकर देखो सूरज आया होगा। रात भर खुद भी नहीं सोई और मुझे भी नहीं सोने दिया। कल मैं एक काम में फंस गया था। मैंने समझाया उसे लेकिन तुम तो सुप्रिया को जानते हो। ये बताओ कॉलेज में कैसा चल रहा है? बस कॉलेज अच्छा चल रहा है। नमस्ते आचार्य जी। अभी आए हो लगता है। धारा से काफी फायदा हुआ है। सुप्रिया को देखा, चेहरा भी एकदम ठीक हो गया है। और ऊपर वाले ने चाहा तो सुप्रिया पूरी तरह ठीक हो जाएगी। अभी तो हो ना जी। अच्छा सूरज, तुम जब यहाँ होते हो तो सुप्रिया में एक अजीब सा आत्मविश्वास आ जाता है। जब चले जाते हो तो फिर से उदास हो जाती है। कभी कभी तो हिम्मत हार बैठती है, कहती है मुझे घर वापस ले चलो। वैसे मैं भी सोचता हूँ हम भी बेकार में ही कोशिश कर रहे हैं। कैसी बात करते हो पापा, क्यों अच्छी नहीं होगी सुप्रिया?
सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तो आपने सुना ना आचार्य जी ने क्या कहा, मुझे सुप्रिया को पहले की तरह चलते फिरते देखना है। एंड आई विल डू इट। जरूरी काम होगा, नहीं तो चाहे कितनी भी देर हो जाती तुम आते। तुमने पापा से घर जाने के लिए कहा? हाँ, इतने दिन तो हो गए यहाँ, जेल लगती है ये जगह। पहले तुम रहते थे तो पता ही नहीं चलता था, अब तुम भी कब तक यहाँ रह सकते हो? नई नौकरी है, मैं यहाँ बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैंने पापा से कहा। तुमने जो किताबें मंगाई थी वो मैं ले आया हूँ, अब तुम बोर नहीं होगी। ये देखो, यशपाल का झूठा सच, बहुत मेहनत लगी इसे खोजने में। परसों तुम्हारा लेटर आया था, कॉलेज का पहला दिन बहुत मजेदार रहा। उस कॉलेज की लड़कियां तुम्हारी तरह नहीं है, बिल्कुल तीखी मिर्ची है। ये तो अच्छी बात है, तीखी मिर्ची तो तुम्हें बहुत पसंद है। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, अब वीकेंड का वेट नहीं करूंगा, बीच में भी लीव लेके आ जाया करूंगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, हफ्ते में दो चिट्ठी लिख दोगे ना, काफी है। नई नौकरी है, नया कॉलेज है, मैं चाहती हूँ तुम उस कॉलेज के सबसे अच्छे लेक्चरर कहलाओ। मैंने तुम्हें बताया था ना, किरण और सरिता जो मेरे साथ डांस सीख रही थी, कल दोनों मुझसे मिलने आई थी, मुझे ऐसे देखकर एकदम से रो पड़ी। बेचारी सूरज, मैं अब कभी चल नहीं पाऊंगी ना। क्यों नहीं चल पाऊंगी, हमारी कोशिश जरूर कामयाब होगी। आचार्य जी ने भी कहा कि तुम ठीक हो जाओगी, हौसला रखो, मेरे और अपने प्यार पे भरोसा नहीं है तुम्हें, तुम जरूर चल पाओगी। आज के बाद ऐसी बात सोचना भी नहीं। अरे सूरज, काम गायब हो जाते हो हर वीकेंड, सैटरडे संडे पार्टी वार्टी का दिन होता है और तुम डिसअपीयर हो जाते हो। पार्टी भी कर लेंगे दिलदार भाई, बस दुआ करो कि वो दिन जल्दी आ जाए। क्या बात है सूरज, परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? सब ठीक हो जाएगा। एनीथिंग सीरियस? कुछ खास नहीं। देखो सूरज, मैंने तुम्हें अपना दोस्त ही नहीं छोटे भाई की तरह माना है, और बड़े भाई होने के नाते मुझे पूरा हक है तुम्हारी परेशानी जानने का। याद है एक बार तुमने मेरी शादी का जिक्र किया था, जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ उसे ब्रेन ट्यूमर है, और उसी वजह से उसे पैरालिसिस का अटैक हुआ है। पिछले 3 साल से बिस्तर पे, और आजकल उसका इलाज एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में चल रहा है। मैं हर सैटरडे उससे मिलने जाता हूँ इस उम्मीद से कि एक दिन वो ठीक हो जाएगी। वेरी सॉरी अबाउट इट, इट्स ओके। गुलाब के इस फूल को देखकर तो आप समझ गए होंगे कि इस फूल के यहाँ होने का मतलब क्या है। हाँ, ये मेरे पहले प्यार का पहला तोहफा है। अगर आपने इसे अपने पास रख लिया तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने मेरे प्यार को अपना लिया, यानी मुझे अपना लिया। और अगर आपने इस फूल को मसल कर फेंक दिया तब तो मैं समझूंगी कि आप मुझसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपकी पड़ोसन राम दुलारी।
लो लो लो। सर आप यहाँ? आप आए हमारे घर, हमारी किस्मत है। कभी हम आपको कभी अपने घर को देखते हैं। घर को नहीं, चिड़िया घर को। चिड़िया घर? सर मजाक अच्छा कर लेते हैं। पूजा दीदी को बोलूं घर पे ही? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे? तुम्हें चटनी बनानी आती है? अरे चटनी, चटनी बनाने में तो मास्टर हूँ सर मैं। अरे चिकन की चटनी, धनिया की चटनी, पुदीने की चटनी, मिर्ची की चटनी, सब चटनी बना सकता हूँ। आपको कौन सी पसंद है? गुलाब की चटनी। ये लो, इसे अच्छी तरह पीस कर, नमक, काली मिर्च, करेला और नीम की पत्ती मिलाकर इस घर की चिड़ियों को खिला देना। लो। चिड़िया घर की चिड़ियों को चुलाव गुलाब की चटनी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज अब दुनिया भर में लगातार तलाक हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, कई जगह तो शादी से पहले ही तलाक हो जाता है। आज मैं और मेरी प्यारी प्यारी धर्म पत्नी अपनी शादी की 10वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो खुद में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, सक्सेस है। ताली बजाओ यार। राइट सर, कंप्लीटली राइट सर। और आपने कभी अपने बीच किसी तीसरे को आने नहीं दिया, इसलिए आज ये सक्सेस और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुबारक हो सर। मुबारक हो सर। मुबारक हो मैडम। गुड इवनिंग सर। इन शरारती बेवकूफों को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? इनको बुलाने की क्या जरूरत है? बिन बुलाए मेहमान है, किधर भी टपक पड़ते हैं। और इस अचीवमेंट की खुशी में मैं आप सब लोगों को अपना मनपसंद गाना सुनाना चाहता हूँ। सूरत सर, आप इतने सीरियस क्यों बैठे हैं? आप ही तो ताली बजाइए ना। अर्ज किया सूरज, कभी कभी मेरे दिल विच ख्याल आंदा है कि जैसे वाह वाह तालियां तालियां, वंस मोर सर, वंस मोर। कभी कभी मेरे दिल विच ख्याल आंदा है कि जैसे डिमांड है कभी कभी। अरे भाई आगे भी तो बढ़ने दो। अरे सर पहले ये लाइन तो सीधी तरह गाओ, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, गाना वाना बहुत हो गया, अब खाना खाते हैं। आपके गाने के बाद तुम्हें लगता है किसी को खाना हजम होगा? ऐसे कटे हैं मेरे 10 साल शादी के। चलिए आइए आइए खाना खाते हैं। हेलो सिद्धू जी। बस बस आप उधर देखिए, हम लोग सर्व कर लेंगे। अच्छा ठीक है। ये कौन सी डिश है? ये गुलाब के फूलों की चटनी है सर। गुलाब के फूल की चटनी? मेरे को नहीं मिली। ओ कुलवंता, सिर्फ सूरज वास्ते बनाई क्या? नहीं नहीं, वो क्या है ना सर कि सूरज सर का खून थोड़ा सा गर्म है ना, तो उस गर्मी को ठंडा करने के लिए चटनी बहुत अच्छी है। या शी इज राइट, मैं नहीं कहा था। चटनी बहुत अच्छी लग रही है, मैं थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ। जानते हो दिलदार, हम रोज खाना खाते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि कौन सी चीज किस बीमारी के लिए अच्छी है। जैसे कि ये दाल, इसमें प्याज का तड़का है, अदरक है, देसी घी है, पानी है, ये पागलों के लिए बहुत कमाल की चीज है। क्या बात कर रहे हो, इसे पागल खाएंगे क्या? इसे खाया नहीं जाता बल्कि इसे हाथ में लेकर किसी पागल के सर पर यूं डाला जाता है। चंगा कितना, चंगा कितना, चंगा, वेरी गुड। शब्द मजाक में डाल दिया है। हेलो सूरज, एक बहुत अच्छी खबर है, समझ नहीं आता कैसे बताऊं। सुप्रिया चलने लग गई है। सच? हाँ सूरज, आज 3 साल के बाद सुप्रिया बिना सहारे के खुद चल रही है। अब तुम अकेली चलो। नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं चल पाऊंगी, अभी इतनी ताकत नहीं है। कोशिश तो करो। मैं गिर जाऊंगी। मुझ पे भरोसा नहीं है।
सनम प्यार जिंदा हमारा रहे, यहाँ चाहे रहे ना रहे हम, दिल ये दुआ दे रहा है सनम। ऐसी क्या बीमारी है जो एम्बुलेंस बुलानी पड़ी? सर पूजा को बहुत सीरियस अटैक आया है। अटैक? हाँ सर, सर उसे ब्रेन ट्यूमर है। पूजा कहाँ है? वो वहाँ है। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आई एम सॉरी। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैंने आपको बहुत परेशान किया है ना सर? कोई बात नहीं, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में तो ये चलता ही रहता है। तो आपने मुझे माफ किया सर? पूजा रिलैक्स। कहो ना, आपने मुझे माफ किया सर? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ये मेरे मम्मी डैडी हैं। नमस्ते। यस। आप? बेटा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ। आइए ना, बैठिए। कहिए ना। बेटा, पूजा हमारी एकलौती बेटी है।
उसे बचपन से ये बीमारी है। हमने बहुत इलाज की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बेटा वो चंद ही दिनों की मेहमान है। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए। बेटा तकदीर का लिखा कौन मिटा सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी बेटी सुहागिन होके मरे। वक्त बहुत कम है, इतनी जल्दी कोई लड़का कहाँ मिलेगा। वो तुम्हें चाहती है। What? और तुम भी उसे पसंद करते हो। लेकिन मैं बेटा मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करने से बड़ा पुण्य मिलता है। अब ना मत कहना बेटे। ए ऋतिक रोशन इधर आ। यस दीदी। काट। ये क्या है? ये ब्रेड। ये नहीं वो। ओफो ये भी नहीं मालूम दीदी। कैंची। पूजा पूजा सर आ रहे। हाँ तो उनके साथ दिलदा सर और कुलवंत मैडम भी है। अरे अरे ये रख मैं तो चली। हेलो सर। हेलो सर। हेलो मैम। पूजा पूजा आप कैसी तबीयत है? ठीक है सर। ये फूल मेरे लिए हैं? हाँ ये तुम्हारे लिए। तुम्हारे माँ बाप नहीं दिखाई दे रहे? वो वापस चले गए। वापस चले गए? तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ के चले गए? कैसे माँ बाप है तुम्हारे? और नहीं तो क्या, अगर तुम्हारी तबीयत अचानक खराब हो जाए और तुम्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा तो? उन्हें वापस बुला लेते। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ सर। ठीक हूँ। अभी कहाँ ठीक हो? अभी तो तुम्हें ठीक होना है। मैं बुलाता हूँ तुम्हारे माँ बाप को। आप क्यों परेशान होंगे सर? मैं कल फोन करूंगी ना। फोन की क्या जरूरत है, उनको बुलाने के लिए मेरी आवाज ही काफी है। सुनो पिताजी। जी पिताजी। अब माताजी को बुलाता हूँ। माताजी ये है इनके पिताजी टैक्सी ड्राइवर और ये है उनकी धर्मपत्नी। अब तक ये कितनों के माँ बाप बन चुके हैं इन्हें खुद नहीं मालूम। माफ कर दीजिए साहब, इन्होंने हमें पैसे दिए थे। पैसों के लिए आप लोग कुछ भी करेंगे? हाँ, नहीं तो ये हैं तुम्हारे माँ बाप। वो एक मजाक था सर। नहीं आप लोग जाइए। ब्रेन ट्यूमर है, तुमको जानती हो ब्रेन ट्यूमर का मतलब क्या होता है? जिसे ब्रेन ट्यूमर हो जाए उसकी हालत क्या होती है, उसे जानने वालों को कितनी तकलीफ होती है जानती हो तुम? ये तो पता था कि तुम एक बद दिमाग बदतमीज और बेवकूफ लड़की हो, लेकिन ये नहीं जानता था कि इतनी गिरी हुई और घटिया हरकत भी कर सकती हो। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। अब इस कॉलेज में या तुम रहोगी या मैं। पूजा दरवाजा खोलो। बात तो सुनो। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अरमान चले। चलिए। पूजा दीदी खोलिए। देखिए आपके लिए हमने आज भरवा करेले और भरवा परवल बनाए हैं। आइए ना पूजा दीदी खाना खा लीजिए। आप नहीं खाएंगे तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। जो आपके मन में आए कीजिए। सो जाइए भूखे। अरे क्या हुआ, अरमान नाराज होकर चला गया? खाना तो पकाया ना।
यम्मी भरवा करेले। तुम लोग ने अब तक खाना नहीं खाया? मैं तो खाऊंगी, मुझे तो बहुत भूख लगी है। अरे तुम लोग ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो? क्या हुआ, कुछ तो बोलो। मतलब सूरज सर का डांटना तुम भूल गई? अरे इसमें याद रखने वाली क्या बात है। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तूने अपनी हार मान ली? अरे इसमें हार और जीत का क्या सवाल, एक मजाक किया पकड़ा गया बस। वो तो ठीक है, लेकिन सूरज सर को इस तरह सबके सामने तेरे इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। इंसल्ट नहीं, असली मर्द को ऐसा ही होना चाहिए। गुस्से में सर कितने खूबसूरत लग रहे थे। क्या? हाँ, लाल मिर्ची की तरह नाक लाल हो गई थी और चेहरा चांदी जैसा चमक रहा था। क्या 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 क्या? तुझे पहली बार दुश्मन के सामने हथियार डाल रही है, और वो भी ऐसा दुश्मन जिसने तुझे कई बार नीचा दिखाया, तुझे रुलाया, कहीं आंसुओं के साथ तेरी जिद, तेरा गुस्सा सब बह तो नहीं गया? उसकी पर्सनालिटी के सामने तूने सरेंडर तो नहीं किया? नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। अपने दिल पे हाथ रखकर मुझे बता, कहीं तू उससे प्यार तो नहीं करने लगी? Have you started to fall in love with him? I think so. विदा लेने आई हूँ, मैं अपने डैडी के घर जा रही हूँ। वैसे भी यहाँ रुकने से क्या फायदा, मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी चली जाऊँ। गुड इवनिंग क्लास। क्या इसका मतलब कि आपने प्रिंसिपल से मेरी कंप्लेन नहीं की? सर मैं जानती थी कि आप मेरी कंप्लेन नहीं करेंगे, बिकॉज आप मुझे लाइक करते हैं। किसने कहा मैं तुम्हें लाइक करता हूँ? लाइक करते हैं इसलिए तो डांटा आपने मुझे। सर इस कॉलेज में 1623 लड़कियां हैं, उन्हें कभी नहीं डांटा आपने। इसका मतलब है कि मुझ में ऐसा कुछ है जो उनमें नहीं। समय जानती हूँ कि आप मेरा ज्यादा ख्याल रखते हैं। आपका ये डांटना राम दुलारी को बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। अच्छी हूँ चाची, ठीक हो जाऊंगी। देखो ना चल रही हूँ। मेरे सारे प्लांट्स कितने बड़े हो गए हैं। बेटे हवा बहुत है,
तुम भीतर जाओ। पापा इतने दिनों बाद तुम आई हूँ, मुझे जी भर के देखने दो। पापा ठीक कह रहे हैं, बाद में देख लेना, चलो। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, तुम्हारे बारे में। इस समय मुझे बस देखने दो, उन आंखों को जो हमेशा उम्मीदों से चमकती रहती हैं, जो पिछले 3 सालों से मेरी चिंता में अच्छे से सो नहीं पाई, मेरी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ी ना सूरज। सुप्रिया, सच कहना सूरज, मैं तुम्हें बोझ तो नहीं लगती ना? पलक आग के लिए बोझ नहीं होती। अपनी एक पोएट्री में तुम्हीं ने लिखी थी ना ये लाइन, पूरी कविता सुनाओ ना। वो सब याद मत दिलाओ, तकलीफ होती है। क्यों सुप्रिया, और तुमने कविताएं लिखनी तो बंद ही कर दी? सब कुछ तो बंद हो गया। नहीं सुप्रिया, कुछ भी बंद नहीं हुआ। तुम कविताएं लिखनी फिर से शुरू करो, उन्हें कागज पर उतारने के लिए मैं हूं ना। हुई तुम, तालियों की आवाज और एक कोने में अकेला खड़ा मैं। ये दिन में कब से सपने देखने लगे सूरज जी? प्यार करने वाले और क्या करते हैं, सपने ही तो देखते हैं। वैसे भी मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम एक दिन बहुत बड़ी स्टार बन जाओगी और मैं तुम्हारा स्टार सेक्रेटरी। तुम्हारे हाथ ऑटोग्राफ देंगे और मेरे हाथ ढेर सारे नोट गिनेंगे। अच्छा, सेक्रेटरीशिप ही करनी थी तो केमिस्ट्री की इतनी मोटी मोटी किताबों में इतने साल सर क्यों खपाया? वो इसलिए कि मुझे गोल्ड मेडल मिले और तुम इंप्रेस होके मुझसे प्यार करने लगो। मैं कोई इंप्रेस नहीं हुई तुमसे। तो इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? प्यार? बिल्कुल नहीं। स्टार लोग जमीन पर रहने वालों से प्यार नहीं करते। मैं प्यार करूंगी तो किसी हैंडसम अमीर नाराय से, और फिर शादी करके फूर हो जाऊंगी। फिर तुम क्या करोगे? क्या करूंगा? तुमसे प्यार किया है, करता हूँ, करता रहूंगा। तुम मुझे छोड़ के चली भी जाओगी ना, तभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई किला शिकवा नहीं रहेगा। सारी जिंदगी गुजार दूंगा तुम्हारे याद के सारे। ए, स्टार लोग रोया नहीं करते हुँ? सुप्रिया मत रो, तुम फिर डांस करने लगोगी, फिर तालियां बजेंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आराम करो, मुझे जाना है। छुट्टियां खत्म होने तक इंतजार नहीं कर सकते? नहीं सुप्रिया, परसों एग्जामिनेशन पेपर वापस करने का आखिरी दिन है, उससे पहले मुझे जाना होगा। लाओ तुम आराम करो, अगले सैटरडे मैं वापस आ जाऊंगा। वक्त पर एक्सरसाइज करना और वक्त पर दवा लेना, एंड नो मोर क्राइंग। Promise? Love you. पूजा दीदी, पूजा दीदी, क्या है? दीदी इतनी स्ट्रगल के बाद एक छोटी सी फिल्म में बड़ा सा रोल मिल रहा, जाने दो ना। No. दीदी दीदी देखो, अब तो कॉलेज बंद हो गया, छुट्टियां शुरू हो गई, और आपकी सारी चमचियां भी अपने अपने गांव चली गई, अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि इतने बड़े घर में मैं अकेले नहीं रह सकती। अकेली? अकेली कैसे, आप भी तो अपने डैडी के पास जा रही है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और तुम भी कहीं नहीं जा रहे हो, समझे? ओए, नहीं समझा। और अब तो तुम बिल्कुल कहीं नहीं जा रहे हो, हमें इन्हें कंपनी देनी है ना। ओह, अरे सर के घर की चाबी हमारे पास है ना, तो जाओ जाओ जल्दी लेकर। कम ऑन स्टूपिड, मूव मूव गो।
नमस्ते सर। ये लो। सर 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 सर, आपकी चाबी हमारे पास है। दिलदार कहाँ गए? अपने ससुराल गए हैं, अपने वाइफ के घर। और तुम नहीं गई अपने घर? घर? घर तो अभी मुझे बसाना है सर। सर आपकी चाबी। सर जहाँ आप गए थे वहाँ सब ठीक तो है ना? बस एक कौवा हंस हो गया, एक गाय इंग्लिश बोलने लग गई, और कुछ पेड़ों पे पैसे हो गए। अच्छा, आपके यहाँ ये सब अब हो रहा है? मेरे यहाँ तो काफी पहले हो चुका था। हाँ क्यों नहीं, जहाँ तुम जैसा अजूबा पैदा होगा वहाँ ये सब नहीं होगा, तो वो अपने आप में एक अजूबा होगा। यू आर सो राइट सर। राम दुलारी ने उस दिन कुछ कहा था, लेकिन अभी तक उसे कोई जवाब नहीं मिला। राम दुलारी को जवाब मिल जाएगा। कब? सही वक्त आने पर। वो वक्त कब आएगा सर? जल्द। यानी तब तक राम दुलारी को आपका इंतजार करना पड़ेगा? तो ठीक है, हम इंतजार करेंगे, क्योंकि हम तो आपके दीवाने हो चुके हैं। Yeah.
बता दे तेरे प्यार ने। सर आप बहुत अच्छा था। क्या कल रात का गाना? थैंक यू सर। तुम्हारा गाना सुनने के बाद मुझे लगा कि मैं सचमुच तुम्हारे साथ जाती कर रहा हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक जगह सी पैदा हो गई है। A soft corner, you see. आप सच कह रहे हैं सर? I can't believe this. यूं ही शॉपिंग करने गया था तो तुम्हारी याद आई, इसलिए ये खरीद लिया। ये मेरे लिए है सर? मैंने सोचा कि अपनी दोस्ती की शुरुआत एक शानदार गिफ्ट से करूं। सर मैं आपको बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। I'm so happy. नहीं, मेरे जाने के बाद एक बात और। ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं है, एक आईना है जिसमें तुम्हें दिखाई देगा कि मैं तुम्हें किस नजरिए से देखता हूँ। को गिफ्ट पसंद आई? आपने क्या सोचा कि मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ जो खिलौने से खेलूंगी? हाँ, इसमें सोचना क्या है? तुम हो, मैं तुम्हें इसी नजर से देखता हूँ। Now go and play. What? मैं बच्ची नहीं हूँ। I'm a girl. I'm a grown-up girl. Stupid girl. तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पेपर्स हैं। कितने स्टूडेंट्स का फ्यूचर है ये पेपर्स? Now get out of here. भी आज तक मुझ पे हाथ नहीं उठाया और आपने? हाँ उठाया है, उठाया है, जो करना कर लो। प्यार करना कोई क्राइम है? अगर है तो मैंने ये क्राइम किया है। जाके एफआईआर दर्ज करवाइए, जाइए मुझे फांसी लगवाइए। अच्छा किया आपने, मेरे ऊपर हाथ उठाकर मेरे प्यार में आपने जिद को भी शामिल किया है। लेकिन याद रखिएगा, एक दिन यही हाथ इन गालों को प्यार से छुएंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं भी दीपराज खन्ना की बेटी नहीं। क्या करेंगे अब? हाँ क्या करेंगे? मुझे मारेंगे तो मारिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। आई लव यू एंड इट्स ट्रू लव, समझे आप? Oh, yeah.
बैठो बैठो, सिट सिट डाउन। डोंट वरी, मैं आज तुम लोगों से झगड़ा करने नहीं आया हूँ। एक्चुअली किसी से प्यार करना गलत नहीं है, इट्स नॉट अ क्राइम, लेकिन शायद तुम्हारा तरीका गलत है और जगह भी। एक काम करते हैं, क्यों ना इस वीकेंड किसी पिकनिक पे चलें? कहाँ जाएंगे सर? दैट्स अ सरप्राइज, लेकिन आप लोग तैयार रहिएगा। ओके पूजा, आई मीन नाम दुलारी, बाय। सरप्राइज नंबर वन, ये घर जहां सूरज चौहान ने सपने देखने शुरू किए। सरप्राइज नंबर टू, मेरे अंकल, लेकिन बाप से भी बढ़कर मेरे पापा और ये जिगरी दोस्त थे, दोनों शेयर मार्केट को रूल करते थे। एक दिन अचानक शेयर मार्केट क्रैश हो गई और मेरे पापा ये शॉक बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनके जाने के कुछ ही दिनों बाद माँ भी चल बसी, तब से इन्होंने मुझे पाला है। पापा ये मेरे कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। नमस्ते। नमस्ते। तेरे फ्यूचर की फादर लॉ है, पैर तो छू। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? ये बड़ों का बहुत लिहाज करती है, अपने से बड़े किसी को देख लेती है तो फौरन पैर छू लेती है। आज के जमाने में भी ऐसी संस्कारवान लड़कियां हैं। अभी आपने मेरे स्टूडेंट्स को जाना ही कहा है पापा। जैसे तुम वैसे तुम्हारे स्टूडेंट्स, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम इन्हें अंदर ले जाओ। सुप्रिया भी अंदर ही है। अरे वाह, तुम यहाँ तक चलकर आई। ये है वो तीखी मिर्चियाँ, मैंने कहा था ना। अच्छा अच्छा। ये है उनकी लीडर राम दुलारी, पूजा। और पूजा, सरप्राइज नंबर थ्री, सुप्रिया महेश्वरी, उनकी बेटी और मेरी मंगेतर। माय लव एंड माय लाइफ। पिछले 3 साल से इसे पैरालिसिस है, डॉक्टर कहते हैं जल्दी ठीक हो जाएगी। और देखो, खुद यहां तक चलकर आई है। कम ऑन गर्ल्स। देखा क्या ब्रेक किया है मैंने, एकदम पूजा के प्यार की तरह। उसका दिल भी तो इन कॉइंस की तरह टूट के बिखर गया है। गलती पूजा की है, इसे सूरज सर को अपना दिल देना ही नहीं चाहिए था। गलती पूजा की नहीं, कॉलेज मैनेजमेंट की है। क्या जरूरत थी गर्ल्स कॉलेज में एक यंग लेक्चरर रखने की, है ना पूजा? शट अप। ये लो। एंजॉय कर रहे हो कि नहीं तुम लोग? यस सर। तुम भी लो। क्या हुआ राम दुलारी? लो। तुम कैरम नहीं खेल रही? क्या बात है सूरज, ये जब से आई है उखड़ी उखड़ी सी है, क्या बात है पूजा? कुछ नहीं, जरा सी हेडेक है। आज इसे हेडेक है, बाकी के दिन ये हमें हेडेक देती है। तुम लोग मेरे साथ नहीं, कैरम के साथ खेलो। ओके ओके। आ रुको 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 रुको, ये क्वीन मुझे डालने दो। लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं नहीं, इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। भूल गई, कैरम हमेशा मैं जीतता हूँ। लेकिन क्वीन हमेशा मैं लेती हूँ। हाँ वो तो मैं तुम्हें जानबूझ के लेने देता हूँ। जब मेरे पास सचमुच की क्वीन है तो मुझे किसी और क्वीन की क्या जरूरत है, क्यों गर्ल्स? हाँ सर। राम दुलारी। तुम खेलो, मैं देखता हूँ। Thank you.
पूजा, डोंट बी सिली, आओ कम विद मी। पूजा, अब तक जो कुछ भी हुआ वो एक मस्ती थी, मजाक था। कम से कम मैंने सब कुछ इसी तरह से लिया। लेक्चरबाजी सिर्फ क्लासरूम में ही अच्छी लगती है। मैं जानबूझ के तुम्हें यहाँ लाया हूँ ताकि तुम अपनी आंखों से सच्चाई देखोगी तो मुझे और बेहतर समझोगी। मैं इतनी नासमझ नहीं हूँ जितना आप मुझे समझ रहे हैं। देखो, अब भी अगर मुझे लेकर तुम्हारे दिल में कुछ है तो उसे अपने दिल से निकाल दो। यहाँ से जाने के बाद तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त और सबसे अच्छी स्टूडेंट रहोगी। कम ऑन, चेयर अप। आज गांव में जलसा है, हम सब वहां चलेंगे। ओके, मुझको संभालो तुम जरा, मुझको संभालो तुम जरा। पूछो ना कैसे दिन गुजारे हैं। मैंने भी हर पल देखा तुम्हीं को, पलकों में सपने सरारे हैं। खन खन करके कहती मुझसे ये चूड़ियां, अब तो सही ना जाए मुझसे ये दूरियां। परदेसी परदेसी आया, चाहत का संदेशा लाया। मुझको संभालो तुम जरा, मुझको संभालो तुम जरा। सांसों में बिखर जाऊंगा, मांग तेरी महकी चाहत से भर जाऊंगा। ओ धड़कने लगा है दिल मेरा,
मुझको संभालो तुम जरा जरा, मुझको संभालो तुम जरा। संभालो तुम जरा, मुझको संभालो तुम जरा, मुझको संभालो तुम जरा। अरे पूजा दीदी, आप अकेली? क्या बात है, आपकी वो पालतू और फालतू सहेलियां कहां गई? क्या हुआ? अरे फिर कोई दंगा किया क्या? क्या हो गया है आपको? क्या कर रही आप दीदी? वो देखिए दीदी, पूजा सब अचानक सुबह सुबह अपने घर पूना चली गई और सब अब कभी वापस नहीं आएगी, और सब ऊपर से उसने अपना कॉलेज भी छोड़ दिया। हम लोगों ने उसे बहुत समझाया, बहुत रोका, लेकिन वो सर हमने तो उसे ये भी कहा कि जाने से पहले एक बार आपसे मिल ले, पर वो नहीं मानी। सर आपके लिए लेटर छोड़ गई है। थैंक्स फॉर द सरप्राइजेस। सबके सामने मुझे जलील करने का, बेवकूफ बनाने का, मेरी इंसल्ट करने का अच्छा तरीका खोजा आपने। मानना पड़ेगा आपको, कितना अच्छा प्लान बनाया आपने। यू आर अ सेडिस्ट, आई हेट यू, गुड बाय। पूजा, अचानक कल कहाँ चली गई थी? जब से तुम गई हो तब से मैं उसी बारे में सोच रही हूँ। कहीं मुझसे तो कुछ गलती नहीं हो गई? कम से कम बता के तो जाना था। तुम्हारी सहेलियों को भी कुछ पता नहीं था, वो भी परेशान हो गई। अकेली आई हो? आओ। तुम्हारा कॉलेज नहीं था? बैठो। सूरज हमेशा कहते हैं कभी कभी तुम्हारा बिहेवियर एकदम अलग सा हो जाता है। हमेशा किसी का बिहेवियर एक जैसा रहे, क्या ये जरूरी है? और क्या कहते हैं वो? नहीं, वो शिकायत के लहजे से नहीं कहते हैं। तुम बैठो तो सही, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है पूजा, परेशान लग रही हो? मैंने कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ दिया? हाँ, कोई मुझे ताने मारे ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए अब मैं उस कॉलेज में नहीं पढ़ सकती, अपने फ्रेंड्स को फेस नहीं कर सकती, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, आपकी वजह से। कोई यहाँ सूरज सर का इंतजार कर रहा है, मुझे क्या मालूम था उसमें मेरी क्या गलती। हाँ, मजाक करते करते कब मुझे सूरज सर से प्यार होने लगा मुझे कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। अब मैं क्या करूं बताइए? अब मैं उन्हें नहीं भूल सकती, क्योंकि कोई भी लड़की अपना पहला प्यार कभी नहीं भूल सकती। पूजा रुको, सूरज को ये मालूम है? हाँ मालूम है, लेकिन वो जान बूझ कर अनजान बनते हैं। उनके मन में आपके लिए सिंपैथी है, जैसे किसी को एक पेशेंट के ऊपर होती है। वो आप पर दया करते हैं क्योंकि आप बीमार हैं, अपाहिज हैं। सूरज सर भी मुझे चाहते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन वो मजबूर है। उनके दिल पे आपकी जिम्मेदारी का बोझ है, और उस बोझ के नीचे उनके सारे एहसास दबे हुए हैं। आखिर क्या दे सकती है आप उन्हें? हाँ, आंसू, दुख, उदासी, क्या आप उन्हें कभी खुशी दे सकती हैं?
उन्हें कभी एक अच्छी हैप्पी फैमिली लाइफ दे सकती है? एक बच्चा दे सकती है? नहीं दे सकती है आप। सूरज सर को जिंदगी भर घुट घुट कर रहना पड़ेगा आपके साथ। अपने स्वार्थ के लिए उनकी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं आप। सेल्फिश हैं आप, सेल्फिश। पापा आप कुछ बोलते क्यों नहीं? पापा बेटे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? कल तुम्हें इतना समझाया फिर भी। कम कम, चेंज योर क्लोथ्स, वी हैव टू गो। नो डैड, आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। जिद नहीं करते बेटा, मुझे दिल्ली से लौटने में एक हफ्ता लग जाएगा, तुम यहाँ अकेली बोर हो जाओगी। मैं अकेली कहाँ हूँ डैडी, ईमान चाचा है, राधे है, पिंटो है, सभी तो है। पूजा पूजा ट्राई एंड अंडरस्टैंड बेटा, तुम्हें कॉलेज पहुंचाने के बाद मुझे फ्लाइट पकड़नी है। कम ऑन कम ऑन। नो डैड, एंड डोंट फोर्स मी, आई एम रियली नॉट कमिंग। डैडी प्लीज। मैंने कहा ना, No more movies, no more masti, no more zid. Come on now. मैं नहीं आऊंगी। I said no. ठीक है, मत जाओ। लेकिन तुमने कभी सोचा है कि आज अगर तुम्हारी मामा जिंदा होती तो ये सब देखकर उन्हें कितनी तकलीफ होती? मामा होती तो मेरी फीलिंग समझती। ओह, ठीक है। वैसे पूजा, तुमसे किसने कहा था कि अपने कॉलेज के लेक्चरर से प्यार करो? सिलेक्शन तुमने किया, टेंशन हमें हो रही है। डैडी। नो रियली। वैसे मेरी नजर में उस आदमी की इज्जत बहुत बढ़ गई है जिसने मेरी बेटी के प्यार को ठुकरा दिया। बहुत ही कमाल का विल पावर होगा उसका। आई एक्चुअली वांट टू मीट हिम। डैडी प्लीज डैडी। तुम तो रोने लगी। कम ऑन यार, मैंने सोचा था कि दीपराज खन्ना की बेटी हौसले वाली होगी, हिम्मत वाली होगी। Hey, come on now. तुम इस तरह हार के मुंह छिपा के अपने घर में बैठ जाओगी तो भाई मेरे लिए तो बहुत शर्म की बात होगी। Be bold. अगर उसे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए तो तुम्हें भी उसका प्यार नहीं चाहिए। Face your friends boldly. और तुम ही तो कहा करती थी कि तुम अपने कॉलेज की हीरो हीरोइन हो, व्हाटएवर। तो भाई हीरो लोग कोई ऐसे होते हैं, एक सिली रोमांस की खातिर। डैड, ये सिली रोमांस नहीं है डैड। देखो पूजा, हम दोनों का रिश्ता सिर्फ बाप बेटी का नहीं है, दोस्तों का भी है। हम सब कुछ डिस्कस करते हैं, करेक्ट? तो फिर मेरी बात मानो और तैयार हो जाओ। ये रिक्वेस्ट एक बाप की नहीं, दोस्त की है। प्लीज। मैं तुम्हें क्लासरूम तक छोड़ाऊं? नो डैड, आप जाइए। आई एम ऑल राइट डैड, मैं एकदम ठीक हूँ और आज के बाद आपको कोई शिकायत सुनने नहीं मिलेगी। ओके, आई नो, जाओ। बाय। पूजा, हे गाइस, व्हाट हैपेंड? तुम लोगों के चेहरे पे 12 क्यों बजे? हाँ, ऑफ कोर्स बजेंगे, मैं जो यहाँ नहीं थी, बट राइट नाउ आई एम बैक, सो चीयर अप। हाँ, ए प्रिंट आउट, तेरा वो लेटर राइटिंग चल रहा है कि नहीं? हाँ।
पूजा, अच्छा हुआ तू आ गई यार। वैसे भी हम सब तुझे बहुत मिस कर रहे थे। मालूम था मेरे बगैर तुम लोग सब कटी पतंग हो जाओगे, इसलिए तो मैं वापस आ गई। तू अभी आई? हाँ, डैडी भी साथ में आए हैं। वो सूरज सर से मिलने गए हैं। तू नहीं गई उनसे मिलने? नहीं, उसके लिए थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ेगी। वैसे मैं काफी रिहर्सल करके आई हूँ। एक्चुअली पूजा, हम तुझे फोन करने ही वाले थे। सुप्रिया जी है ना, उन्हें बहुत सीरियस अटैक आया है और डॉक्टर्स का कहना है कि अब वो शायद ही बच पाए। जिस दिन तुम गई उसी शाम को फोन आया। अटैक की वजह कोई मेंटल शॉक है। बेचारी कितनी अच्छी थी, सूरज से भी बहुत अपसेट है। उनकी भी कैसी किस्मत है यार। और फिर बेचारी को अपनी माँ की ममता भी नसीब नहीं हुई, इसीलिए वो जरा जिद्दी है, मगर दिल की बुरी नहीं है। मैं जानता हूँ। उसने आपके साथ जो कुछ भी किया वो सब मुझे साफ साफ बता दिया है। उसने जो भी हरकत आपके साथ की उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। देखिए अभी बचपना है उसमें, इसलिए उसकी हरकतों का बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पूजा नहीं आई? आई है, आई है, डायरेक्टली क्लासरूम में चली गई। एक्चुअली आपके सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी वो। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना है। ओके, सी यू देन। कभी इतने नाम से बैठते हैं? श्योर। ओके, सी यू। सी यू। कैसी हो? ठीक हूँ सर। अभी तुम्हारे डैडी मिले थे, अच्छा किया वापस आ गई। प्रैक्टिकल से ना, जाओ। सर, वो कुछ नहीं। क्या हुआ पापा, आप अचानक यहाँ? बेटे वो सुप्रिया ने, क्या हुआ सुप्रिया को? उसने दवाई खाना बंद कर दिया है। मैंने बहुत समझाया, डॉक्टर ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन किसी की बात सुनती ही नहीं। कहती है कि उसे जीना नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा बेटे क्या करो, इसीलिए तुम्हारे पास आया कि तुम्हारी बात वो टाल नहीं सकती। मुझे अब दवा से फायदा होगा, तुम्हें लगता है? हाँ, ऐसा लगता है। भगवान अब भी हमारे साथ है। पहले भी तो ऐसा हुआ था ना, तुम ठीक होकर आई थी ना। हौसला रखो, तुम अब भी ठीक हो जाओगी। दवा ले लो। पापा, मैं सूरज से अकेले में बात करना चाहती हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो? बहुत प्यार करते हो ना? तुम्हें लगता है कि मेरा प्यार कम हो गया है? नहीं, मुझे तो लगता है तुम मुझसे पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगे हो। इसीलिए अब बर्दाश्त नहीं होता। देखो ना, तुम मुझे इतना प्यार करते हो और मैं तुम्हारे प्यार का एक अंश भी तो नहीं वापस कर सकती। एक बात कहूं सूरज, मानोगे? सूरज, तुम किसी और से शादी कर लो, हमारा क्या है? हम रहे ना रहे, तुम शादी कर लोगे ना तो मेरे मन में ये कसक नहीं रहेगी कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के जा रही हूँ। सुप्रिया, बस इतना ही समझ पाई हो मुझे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो उसके बदले में कुछ पाना चाहता हूँ। क्या शादी सब कुछ है?
पूजा बहुत अच्छी लड़की है। उस दिन आई थी ना तुम्हारे साथ, मुझे उसी दिन लगा था वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। सुप्रिया स्टॉप इट। सूरज मुझे आज बोलने दो। मैंने पापा को सब कुछ बता दिया है, वो पूजा के डैडी से बात करेंगे। सुप्रिया लेकिन ना मत कहना प्लीज, इसे अपनी सुप्रिया की आखिरी ख्वाहिश समझ के पूरा कर दो। तुम पूजा से शादी कर लो। सुप्रिया मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, मेरे प्यार की बेइज्जती मत करो। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से प्यार किया है, आखिर क्या कमी रह गई मेरे प्यार में जो तुम ऐसा बोल रही हो। हर सपना तो सच नहीं होता है ना, कुछ सपने आंख खुलते ही हमेशा के लिए टूट जाते हैं। हमारा प्यार भी ऐसा ही सपना था सूरज, मुझे भूल जाओ। भूल जाओ ठीक है, पहले तुम मुझे भूल जाओ। भूल सकती हो मेरे प्यार को? जवाब दो। सूरज रुको, पापा पापा वो लाएंगे जरा। घर आए थे, पहले तो इनकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया, गेट आउट तक कहने जा रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा तो लगा कि इनकी बात में बात है, आखिर मैं भी बेटी का बाप हूं और हर बाप चाहता है कि अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करे, और अगर वो इच्छा आखिरी है तो जान देकर भी। बात क्या है डैडी? सूरज को अब तक सुप्रिया का इंतजार था, बट नाउ उस इंतजार का कोई मतलब ही नहीं निकलता, ये सब जानते हैं, सूरज भी। सुप्रिया के फादर को जितना अपनी बेटी की जिंदगी का ख्याल है उतना ही सूरज की जिंदगी का भी, क्योंकि उन्होंने सूरज को एक बेटे की तरह पाला है, तो उसे सारी खुशियां देना, उसका घर बसाना, ये भी तो इन्हीं की जिम्मेदारी है, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम सूरज से शादी कर लो। डैडी, मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया, हालांकि मैं उनसे कह सकता था कि मेरी बेटी अभी छोटी है, पढ़ रही है, उसको अपना करियर बनाना है वगैरह वगैरह, लेकिन ये सब मैंने उनसे नहीं कहा, क्योंकि हंसी खेल में सही अनजाने में सही तुमने सूरज से प्यार तो किया था, इसलिए मैंने उनसे वादा किया है कि अगर मेरी बेटी के दिल में अब भी सूरज के लिए फीलिंग्स हैं तो मैं उन फीलिंग्स के बीच में नहीं आऊंगा।
अब फैसला तुम्हें करना है, लेकिन जो भी डिसीजन लो सोच समझ कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर तुम्हारी जिंदगी में कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो। इंसान को अपनी जिंदगी में इससे भी ज्यादा समझौते करने पड़ते हैं। देखो सूरज, सवाल तुम्हारा पूजा से शादी करने का नहीं है, सवाल है सुप्रिया की जिंदगी का। देखो सूरज, अगर तुम सुप्रिया का कहना मानकर पूजा से शादी कर लोगे, हो सकता है सुप्रिया दवाइयाँ खाना शुरू कर दे, अच्छी हो जाए, उसको उसकी जिंदगी वापस मिल जाए। और फिर सूरज, पूजा भी तो तुमसे प्यार करती है। वो प्यार नहीं, इन्फैचुएशन है, जिद है, नई उम्र का पागलपन है। इट इज नॉट पॉसिबल दिलदार, मैं तुम चाहते हो सुप्रिया अपनी आखिरी ख्वाहिश अपने सीने में दफन करके मर जाए। लेकिन देखो सूरज, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी अच्छाई चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ मशवरा दे सकता हूँ। लेकिन सूरज, जो कुछ करना अच्छे से सोच समझ कर ठंडे दिमाग से करना, क्योंकि एक तरफ सवाल दो दो जिंदगियों का है और दूसरी तरफ दो दो मौतों का। तमन्ना रह गई दिल में, हर लम्हा है अब मुश्किल में, ले गई मौजे सब कुछ अपना, क्या रखा है अब साहिल में। चाहत में जब कोई मिलके ना मिल पाए, सागर के होते भी दिल प्यासा रह जाए। जिंदगी फैसले में हमने ये भी तो न सोचा, खूबसूरत ख्वाब से बढ़ के कोई होता। कर ले कोशिश कोई, जो होना है हो के रहेगा। वक्त कभी दर्दे दिल दे के क्यों तड़पाए, और कभी जख्मों का खुद मरहम बन जाए। जिंदगी के फैसले में हमने ये भी तो ना सोचा, खूबसूरत बढ़ के कोई होता है न धोखा। खुशियों के मौसम हो
तक जो हुआ अच्छा या बुरा उसे हम भूलने की कोशिश करेंगे। तुम्हें सब कुछ पता है और कुछ सच होना हो लेकिन यह सच जरूर है कि वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। मैं एक अच्छा पति बनने की कोशिश करूंगा, कुछ वक्त जरूर लग सकता है। ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा। हाय पूजा। अरे दीपा तुम? पूजा कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, चल अंदर आजा। बता सब ठीक तो है? लेकिन मैं बहुत नाराज हूँ तुझसे। मैं छोटी उम्र में अपने पेरेंट्स से मिलने गई और तूने शादी कर ली। पर कुछ भी कह, मान गए तुझे। तूने जिसे चाहा उसे आखिर पा ही लिया। सूरज सर को तेरे प्यार के आगे झुकना ही पड़ा, नहीं? ए पूजा एक बात बता, सुप्रिया दीदी कैसी है? अभी भी बिस्तर पर ही है या कुछ इम्प्रूवमेंट है? तू कुछ भी कह, तूने उनके साथ बड़ी ज्यादती की है। तूने तो जो चाहा वो पा लिया, लेकिन वो बेचारी। साड़ी में तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ठीक हो ना? मुझे प्रायश्चित करना है, मैंने जो आपके साथ किया उसका प्रायश्चित करना है, मुझसे अब सहा नहीं जाता। ये तुम क्या कह रही हो पूजा? आ
आपने मुझे श्राप क्यों नहीं दिया, बद्दुआ क्यों नहीं दी? अपने दिल पे आपके आंसुओं का भार लेकर मैं नहीं जी पाऊंगी। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया पूजा, जिससे तुम्हारे दिल पर कोई भार हो। जोड़ियां तो भगवान के यहाँ बनती है। नहीं सुप्रिया जी, आपकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, सिर्फ मैं। अपनी इज्जत पूरी करने के लिए मैं खुद अपनी परछाई से लड़ रही थी, कि अब मुझे पता चला है। कुछ भी न जानते हुए अब जब सूरज से मुझे एक पत्नी के तौर पे जाने लगे हैं, मुझे उनका प्यार मिलने लगा है, तो अब ऐसा लगता है कि मेरा उस प्यार पे कोई हक ही नहीं है, क्योंकि मैंने उसे जीना है। ऐसा महसूस होने लगा है कि मैंने कोई चोरी की है, कोई गुनाह किया है। अरे पगली, सूरज का प्यार मिल रहा है, तुझे तो खुश होना चाहिए। जिंदगी भर सुखी रहे, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है और रहेगी आखिरी सांस तक। पापा इसे पहचानते हैं ना, अपनी पूजा, सूरज की बीवी। देख चुका हूँ इसे आते हुए, और देखते ही समझ गया था कि कोई हंगामा खड़ा करने आई है ये। एक बार पहले भी इसके कदम पड़ चुके हैं यहाँ, उसका फल मैं और मेरी बेटी आज तक भुगत रहे हैं, आज तक। अरे इतना सब कर लेने के बाद भी तेरा मन नहीं भरा जो आज फिर यहाँ पर। पापा ये क्या कह रहे हैं आप, पता है आप किससे बात कर रहे हैं? पता है, लेकिन क्या करूं, आग लगी है यहाँ, आग। बहुत सहा है मैंने, बहुत भुगता है, बहुत चुप रहा हूं मैं, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगा। मैं तो उस दिन ही सूरज को बताने वाला था, लेकिन मेरी बेटी ने मेरे पांव पकड़ लिया और कहा कि ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। पापा देख 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 मेरी बेटी की हालत देख। इससे पहले कि मैं आपे से बाहर हो जाऊं, चली जा यहां से। पापा फिर यहां कभी मत आना, अपना मनहूस चेहरा यहां कभी मत दिखाना। क्या बात है पापा? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। नहीं कोई तो बात है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हो, क्या बात है? सुप्रिया तुम बताओ। नहीं सूरज ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बताती हूँ। मुझे नहीं। आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ, बिल्कुल पता होना चाहिए कि मैंने क्या किया। सुप्रिया जी को दोबारा स्ट्रोक मेरी वजह से हुआ। नहीं मुझे नहीं। जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। मैंने इनसे कहा कि आपको इनसे प्यार नहीं सिंपथी है, मैंने कहा कि ये स्वार्थी है, इन्हें सेल्फिश कहा, इन्हें कहा कि ये अपने स्वार्थ के लिए आपकी जिंदगी बर्बाद कर रही है, मैंने इन्हें अपाहिज कहा, अपंग कहा, और कहा कि वो कभी आपको हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ नहीं दे सकती, और बच्चा भी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। सूरज को खुश रखने के लिए सुप्रिया ने अपने प्यार का गला घोट दिया, बाप ने बेटी के आंसू देखकर सच्चाई छुपा ली, एक सूरज ही बेवकूफ निकला, नहीं समझ सका, कुछ नहीं समझ सका। सुप्रिया इतनी बड़ी कुर्बानी देने की क्या जरूरत थी, मैं इस लायक नहीं हूं। एक बार, सिर्फ एक बार का होता। बंद करिए अपना रोना, आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे, तेरे आंसू में भी जहर है, सारी जिंदगी तू रोएगी तब भी तुझे माफी नहीं मिल सकती। देखना एक दिन तेरा जमीर ही तेरी गलती की सजा देगा तुझे, अपनी शक्ल भी मत दिखाना।
तेरे आंसुओं में भी सहर, तेरे आंसुओं में भी सहर। कहाँ जा रहे हैं हम दिलदार, कहाँ जा रहे हैं हम? बस मंजिल आने वाली है। ये रास्ता उसके घर को जाता है ना? स्टॉप द कार दिलदार, ऐसे स्टॉप द कार। देखो ए, हुन गड्डी जिथे रुकनी है गड्डी उथे ही रुकेगी। फोन आया था कि तुम वापस आ गए हो, लेकिन यकीन नहीं था कि तुम यहां आओगे। मैं बहुत खुश हूं। आओ दिलदार, गाड़ी निकालो, मुझे यहां किसी से नहीं मिलना। गाड़ी निकालो प्लीज। अगर गुस्सा ही निकालना है तो मुझ पर निकालो, गुनाह मैंने और मेरी बेटी ने किया है। आओ, हाथ छोड़िए सूरज, कुछ चाहिए नहीं। जब यहां तक आ ही गए हो तो एक बार भीतर आ जाओ प्लीज सूरज। आओ सूरज। सूरज आओ। अगर आप अपनी बेटी को बुलाना चाह रहे हैं तो मत बुलाइए। अब वो मेरे और तुम्हारे बुलाने से नहीं आएगी, वो जो सबको बुलाने वाला है ना, उसी ने उसे बुला लिया। चार साल पहले दीपावली की रात हम सबको अकेला छोड़कर चली गई कभी ना आने के लिए। जिंदगी में जब हादसे होते हैं तो हम एक लफ्ज का सहारा लेते हैं, वेट। जितने भी लोग मुझसे मिलने आए सबने यही कहा कि ये होनी थी, लेकिन ये होनी नहीं थी। उसे एहसास हो गया था कि उसने गुनाह किया और उस गुनाह की सजा उसने खुद अपने आप को दी। पूरा एक दिन और एक रात उसका ठंडा जिस्म अपनी गोद में लिए मैं इंतजार करता रहा, ये सोचकर कि तुम आओगे। यूं ही तुम नहीं आओगे ये अच्छी तरह जानते हुए भी। कच्ची उम्र का जुनून, इसके अलावा और कोई गलती की थी क्या मेरी बेटी ने? नहीं, मैं उसे जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। उस दिन तुम्हारे जाने के बाद जब मेरी बेटी वापस आई तो एक जिंदा लाश के रूप में उसने बात करना ही बंद कर दिया। उसके मुंह से एक लफ्ज सुनने के लिए तरस गया मैं, फिर अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली, एक बार भी रोई नहीं। आंखें जैसे दूर कहीं देखती रहती। बहुत इलाज करवाया कोई फायदा नहीं हुआ।
फिर एक दिन डॉक्टर ने बताया कि वो मां बनने वाली है, लेकिन इस बात से भी उसकी हंसी वापस नहीं लौटी, जैसे जन्म मरण से बहुत दूर जा चुकी हो वो। और उसी हाल में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद भी उसकी हालत वैसी ही थी। फिर एक दिन उसमें मुझे बहुत फर्क नजर आया। मुझे ऐसा लगा जैसे लाश में जान वापस लौट आई। उसने मुझे डैडी कह के पुकार, मेरे सीने से लिपट कर तुम्हारे बारे में पूछा और फूट फूट कर रोने लगी। डैडी, अगर किसी दिन वो यहाँ हमारी बेटी से मिलने आए तो उनसे कह देना कि हमारे हंसू जहर नहीं है, और उनसे ये भी कहिएगा कि वो हमें माफ कर दे। वो हमें माफ कर देगी ना? क्यों नहीं करेंगे बेटा, मैं उसे समझाऊंगा। तुम सो जाओ, सो जाओ बेटा, सो जाओ। मेरी बेटी नॉर्मल हो गई है, ये सोचकर एक अरसे बाद उस रात में सुकून की नींद सोया। लेकिन पूजा, पूजा बेटे, पूजा, पूजा, अगर मौत ही हर गुनाह की आखिरी सजा है तो कम से कम अब तो मेरी बेटी को माफ कर ही सकते हो ना सूरज। पूजा कहकर ही पुकारती हूँ। जब से मुझे ये प्यार करने के लिए मिली
अपने आप ठीक होती चली गई। ना मैंने दवाई ली, ना एक्सरसाइज की, अपने आप ठीक हो गई। शायद इसीलिए कि ये मुझे माँ कहकर पुकारे, और जरूर उसने ऊपर जाकर मेरी जिंदगी के लिए खूब लड़ाई की होगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मैं रोऊं क्या हंसूं? हमारी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम खो देते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खुद ब खुद हमारे पास आ जाते हैं, और तब जब हमें उसकी उम्मीद भी नहीं होती। जाओ, अपनी बेटी पूजा को प्यार करो, दिल दिमाग और रूह से सारा बोझ उतर जाएगा। जाओ। खुशी